दीपावली के पर्व पर हर घर, हर आंगन, हर बस्ती, हर गांव सब कुछ रोशनी से जगमगा जाया करता है। मिट्टी के दिए में स्नेह की बाती और परोपकार का तेल डालकर उसे जलाते हुए भारतीय संस्कृति को गौरव और सम्मान देता है। मिट्टी का ये दिया हमारे जीने का आदर्श है, लेकिन धीरे धीरे बदलते जमाने के चक्कर में लोगों की सोच भी बदलती जा रही है। वैसे तो लोग दिवाली का त्योहार प्रकाश पर्व के नाम से जानते हैं, इसलिए वह बदलते समय के चक्कर में दिवाली के महान पर्व पर लोग अपने अपने घरों में महंगे महंगे दामों पर बाजारों से चाइनीज लाइटों को खरीद कर लाते हैं और उनसे घरों में लगाकर शोभा बढ़ाते हैं। इसकी वजह से गरीब कुम्हारों का रोजगार भी छिन रहा है। दादा क्या नाम है? अच्छा, क्या समस्या आ रही है आज? बहुत खराब समस्या है, मजदूरी करके खा रहे हैं, चलना चल गए हैं। हाँ, सेल हो जाते हैं कुछ? कुछ ना कुछ हो जाते हैं, साल भर में 1500 की। अच्छा, तो और क्या समस्या आ रही? बहुत समस्या खराब है। डलमऊ तहसील क्षेत्र के कंधरपुर गांव निवासी राम प्यारे ने बताया कि चाइनीज लाइटों के प्रचलन से पहले दीपावली का त्योहार आते ही करीब 2 माह पहले ही मिट्टी की दीवालियां बनाने का कार्य चालू हो जाता था। त्योहार आने पर कुम्हारों को 1000 रुपए का मुनाफा मिल जाता था, जिससे उनके परिवार का अच्छे से भरण पोषण होने लगता था और बच्चों की पढ़ाई लिखाई की फीस भी आराम से जमा हो जाती। लेकिन चाइनीज लाइटों का प्रचलन होते ही कुम्हारों के रोजगार को छीन लिया है। रायबरेली के डलमऊ से रविंद्र पाल की रिपोर्ट।